गोरखपुर पुलिस ने शहर के कई बड़े डॉक्टरों को झांसा देकर करोड़ों हड़पने के आरोपी डॉक्टर अरविंद तिवारी को गिरफ्तार किया। दिलचस्प है कि कैंट थाने में जालसाजी का केस दर्ज होने के बावजूद पुलिस अब तक इसे गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। हालांकि राजघाट पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए ठगी के एक दूसरे मामले में पीड़ित की शिकायत पर आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित दिनेश गुप्ता से पैसों के लेन देन की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। आरोपी डॉक्टर पर कैंट थाने में धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा पूर्व में दर्ज है। इस मामले में उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट भी जारी है। गौरतलब है कि छाज संघ चौराहे के पास रहने वाले डॉक्टर अरविंद के खिलाफ डीआईजी आवास के सामने स्थित एक ही फ्लैट को तीन लोगों से बेचने के आरोप में 3 साल पहले कैंट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, तभी से वो फरार था। इस बीच शहर के कई बड़े डॉक्टर अलग अलग थानों में तहरीर देकर उस पर रुपये हड़पने के आरोप लगाते रहे, लेकिन पुलिस इसके बावजूद इस नटवर लाल को गिरफ्तार करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। वहीं फरारी के दौरान शातिर डॉक्टर अरविंद ने राजघाट इलाके के दिनेश गुप्ता को भी फ्लैट बेचने का झांसा देकर लाखों की ठगी की थी। कई साल बाद भी पैसे नहीं मिलने से परेशान पीड़ित दिनेश गुप्ता ने राजघाट थाने में डॉक्टर अरविंद के खिलाफ एक तहरीर दी थी, जिसके आधार पर राजघाट पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। इस संबंध में सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा यह जांच मुझे सौंपी गई थी, जिसके बाद यह जांच मुझ द्वारा की जा रही थी। इस दौरान आरोपी की गिरफ्तारी की गई। उन्होंने बताया कि संभवतः यह पूर्व में अपने पिता की हत्या के जुर्म में भी जेल जा चुका है। इस संबंध में भी जानकारी अर्जित की जा रही है और इसकी आपराधिक इतिहास खंगाले जा रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने कहा, है ये बैठा दिखा, ये खड़ा दिनेश गुप्ता जी हैं, व्यापारी हैं। इनसे फ्लैट देने के नाम पर 12,76,000 रुपये थ्रू चेक और 5 लाख रुपये नकद दिया था और करीब 3 वर्षों से फ्लैट देने की बात कह करके अभी तक ये फ्लैट नहीं दे पाए। दूसरा बिंदु ये था कि ये जिस ज़मीन को इन्होंने फर्म बनाई थी, जिस ज़मीन पर, अब उस ज़मीन के फर्म को बदल दिया है और दूसरे नाम से फर्म हो गई और 3 वर्षों से उनको मिल भी नहीं रहे थे, उनका पैसा भी बकाया था। और ये मुझे शिकायत मिली थी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रस्तुत हुए थे और इसको मुझे देखने के लिए आदेशित किया गया था एसएसपी साहब द्वारा और उसको हमने जब देखवाया तो ये काफ़ी दिनों से पुलिस को मिल नहीं रहे थे, लेकिन ये अचानक मिले, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। जानकारी मिली है कि थाना कैंट में भी इनके खिलाफ 3 जालसाजी और धोखाधड़ी के मुकदमे 419-20-67-68 के कायम हैं, जिसकी विवेचना अभी भी चल रही है। 3 वर्षों से विवेचना पेंडिंग थी इनके न मिलने के कारण। इस प्रयुक्त के अतिरिक्त यह भी जानकारी मिली है कि यह संभवतः अपने पिता की हत्या में भी जेल जा चुके हैं, उस संदर्भ में छानबीन की जा रही है, इनके आपराधिक इतिहास संकलित किए जा रहे हैं। करीब 8 करोड़ रुपए की लेन देन की बात बताई जा रही है कि 8 करोड़ रुपया लोगों का ठगा है इन्होंने और बहुत से सम्मानित शहर के और बड़े लोग हैं जिन्होंने पैसे देकर के फ्लैट बुक कराया था और उनकी गिरफ्तारी होने पर 2-3-4 लोगों ने मुझसे व्यक्तिगत आकर के मिले और उन्होंने बताया कि किसी का 38 लाख, किसी का 34 लाख, इस तरह से 30 लाख के ऊपर, 50 लाख के ऊपर भी कई लोगों के बकाया है।